नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस पोस्ट में हम आपके साथ ये बात करेंगे कि जो बृहस्पतिवार का व्रत होता है तो जो लोग शुरू करना चाहते हैं वो कब से शुरू कर सकते हैं और इसको करने से क्या लाभ होते हैं। तो गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा का विधान है। गुरुवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। माना जाता है गुरुवार के दिन व्रत करने व कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आइए जान लेते हैं कि जो लोग व्रत शुरू करना चाह रहे हैं वो किस प्रकार से अपना व्रत शुरू करें। गुरुवार का व्रत आप किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। वहीं अनुराधा नक्षत्र वाले गुरुवार से व्रत की शुरुआत करना शुभ माना जाता है। इसमें बृहस्पति देवता की कृपा प्राप्त होती है, लेकिन पौष माह में इस व्रत की शुरुआत ना करें। यदि आप पहले से व्रत कर रहे हैं तो पौष माह में व्रत और पूजन किया जा सकता है, लेकिन पौष माह से व्रत करने का संकल्प नहीं लेना चाहिए। और गुरुवार का व्रत आप 1, 3, 5, 7, 1 साल, आजीवन या संकल्प के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन 16 गुरुवार का व्रत करना शुभ माना जाता है। 16 गुरुवार व्रत के बाद आप इसका उद्यापन कर दें। यदि पुरुष गुरुवार व्रत कर रहे हैं तो वे लगातार 16 गुरुवार व्रत कर सकते हैं। वहीं महिलाएं मुश्किल दिनों में व्रत को छोड़ सकती हैं। शुद्ध होने के बाद अगले हफ्ते व्रत को पूरा किया जा सकता है। गुरुवार का व्रत, ये व्रत भगवान बृहस्पति और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान बृहस्पति की पूजा करने से पेट से संबंधित बीमारियों को ठीक करने में मदद मिलती है, दीर्घायु प्राप्त होती है, निसंतान दंपतियों को संतान और धन और प्रसिद्धि भी मिलती है। बता दिया कि किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से पहले गुरुवार से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं और कम से कम 16 गुरुवार तक व्रत किया जाना चाहिए। और ये व्रत सूर्योदय से सूर्यास्त तक किया जाता है। गुरुवार के दिन पीला सबसे शुभ रंग माना जाता है। जागने के बाद स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। व्रत रखने वाले व्यक्ति को अपना सिर नहीं धोना चाहिए। इस दिन पूजा पीले फूल, पीले फल जैसे केला, केसर से पके चावल, चने की दाल और पीली मिठाई जैसे बेसन के लड्डू आदि से करनी चाहिए। इस पूजा में चंदन का भी इस्तेमाल किया जाता है। पूजा करते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इस दिन एक बार भोजन करें, वो भी बिना नमक के। गुरुवार व्रत कथा का पाठ शाम को करना चाहिए। आप चाहें तो शाम के समय पीले रंग के कपड़े भी दान कर सकते हैं। अगर आप पूरे विश्वास और शुद्ध मन से प्रार्थना करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान बृहस्पति की पूजा करने से पेट से संबंधित बीमारियों को ठीक करने में मदद मिलती है। ये शक्ति वीरता और दीर्घायु प्राप्त करने में भी मदद करता है। निसंतान दंपत भी गुरुवार के दिन व्रत रखते हैं। गुरुवार के उपवास के पीछे धन और प्रसिद्धि एक और कारण है। अस्पष्ट या अज्ञात कारणों से विवाह में देरी का सामना कर रहे लोग भी इस व्रत को रख सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं गुरुवार व्रत की विधि और नियम क्या हैं। माना जाता है कि कोई भी व्रत या पूजा तभी सफल होता है जब व्यक्ति उसे सही विधि और नियम के साथ करे। तो आइए जानते हैं गुरुवार व्रत की क्या विधि है। अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी
ये है कि पौष महीना यानी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार दिसंबर या जनवरी का महीना को छोड़कर आप गुरुवार का व्रत कभी भी शुरू कर सकते हैं। गुरुवार के दिन सुबह स्नान के बाद मंदिर में भगवान विष्णु जी की प्रतिमा के सामने चावल और पीले रंग के फूल अर्पित करें। भगवान से 16 गुरुवार व्रत करने का संकल्प लें और उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। बहुत से लोग ये विधि केले के पेड़ के समक्ष भी करते हैं। इसके बाद एक लोटे में जल रखें और इसमें थोड़ी हल्दी डालकर भगवान विष्णु या केले के पेड़ के जड़ को जल अर्पित करें। लोटे में गुड़ और चने की दाल डालें। इसके बाद भगवान विष्णु को हल्दी चंदन का तिलक लगाएं, उन्हें पीले चावल चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। इस दिन से संबंधित व्रत कथा पढ़ें। इसके बाद हवन करें। हवन के बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आरती उतारें और अंत में अपने से अनजाने में की हुई किसी भी गलती की क्षमा मांगें। अपनी पूजा को अधिक शक्तिशाली प्रभाव के लिए जिन मंत्रों का जाप किया जा सकता है वो इस प्रकार है। यदि आप अपनी पूजा को अधिक शक्तिशाली प्रभावमय बनाना चाहते हैं तो इन मंत्रों का जाप करें। ओम ग्रम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ये है बृहस्पति का बीज मंत्र। इसका 108 बार जाप करने से धन बुद्धि की प्राप्ति होती है और इस ग्रह से होने वाले नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। एक और मंत्र है जिसका जाप किया जा सकता है 108 बार, वो इस प्रकार। ओम ह्रीं क्लीं हुं बृहस्पताये नमः। केवल एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस इच्छा को पूरा करना चाहते हैं उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, बस इतना ही और कुछ नहीं। तो उम्मीद करती हूँ जो लोग व्रत शुरू करने वाले हैं, करना चाहते हैं, उन लोगों को इससे पूरा लाभ मिलेगा। आप सब लोगों ने इस पोस्ट को देखने के लिए अपना समय दिया है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।